गाइस अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में गेमिंग का क्रेज किस लेवल का है ये तो आप सभी को पता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारे गेम्स के ग्राफिक्स भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। और ऐसे ही आज की इस वीडियो में आपको पूरे वर्ल्ड के 10 सबसे रियलिस्टिक गेम्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि पहली बार देखने पर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कोई गेम देख रहे हो या फिर कोई हॉलीवुड मूवी। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस लिस्ट के टॉप 3 के जो गेम्स हैं वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि वो रियल लाइफ से भी काफी बेटर और अमेजिंग दिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। तो गाइज नंबर 10 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। और जैसा कि इस गेम के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और बेस्ट ग्राफिक्स के साथ साथ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें आपको एक एरोप्लेन पे बैठना होता है और एरोप्लेन में बैठे बैठे आप वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन को बहुत ही इजिली ऊपर से देख सकते हो। इस गेम को कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है कि पूरे वर्ल्ड के हर एक लोकेशन को इसमें परफेक्टली फिट कर दिया गया है और आप जहां रहते हो जिस सिटी या जिस गांव में वहां का नेम डाल के इजिली आप अपने शहर ये अपने गांव को एरोप्लेन में बैठे बैठे देख सकते हो। और साथ ही ग्राफिक्स भी इस गेम के काफी जबरदस्त है जिससे आपको जो लोकेशन देखना है उसका आपको एक बिल्कुल परफेक्ट और क्लियर व्यू देखने को मिल जाता है। नंबर 9, तो गाइस नंबर 9 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड, जिसे डेवलप किया है इंसोमनिका गेम्स ने और पब्लिश किया सोनी एंटरटेनमेंट ने। और ये गेम बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, इसके ग्राफिक्स को बहुत ही परफेक्टली डिजाइन किया गया है और इसीलिए इस गेम में जो बिल्डिंग्स और जो लोकेशंस हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ स्पाइडरमैन मूवी वाला फील देती है। मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है फोर्जा होराइजन 5, जो कि एक कार रेसिंग गेम है जो कि शायद पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक रेसिंग गेम है। इसे डेवलप किया था प्लेग्राउंड गेम्स ने जो कि काफी अमेजिंग गेम्स डेवलप कर चुकी है। और गाइस आपको यकीन नहीं होगा कि इस गेम को लॉन्च हुए अभी ठीक से एक साल भी नहीं हुए हैं, बट इस गेम का जो क्रेज है वो लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इस गेम के ग्राफिक्स, जिस लोकेशन जिस वेदर में इस गेम में रेसिंग होता है वही इस गेम को सबसे ज्यादा रियलिस्टिक फील देता है। नंबर 7, तो गाइस नंबर 7 पर जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है फार क्राई 5, जो कि एक एक्शन एडवेंचर गेम है और इसे लॉन्च किया है यूबीसॉफ्ट कंपनी ने। और ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आपको नेचर लाइक जंगल, पहाड़, नदियां ये सब काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलती हैं। और ये गेम आपको बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है क्योंकि डेवलपर्स ने इस गेम को बहुत ही डीपली रियलिस्टिक लुक दिया है जिसे खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। नंबर 6, तो गाइस नंबर 6 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है साइबरपंक 2077, जो कि एक सिंगल प्लेयर गेम है और इस गेम को डेवलप किया है सीडी प्रोजेक्ट नाम की एक कंपनी ने। और ये भी एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है और इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है इस गेम की बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स। इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है जो कि आपको काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील देती है। नंबर 5, तो गाइस नंबर 5 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी। और वैसे तो ये एक इंटरनेशनल गेम है, इसे यूएस की एक नॉटी डॉग नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया है, बट ये गेम पूरी तरह से हमारे इंडियन कल्चर पे बेस्ड है। इस गेम में आपको साउथ इंडिया के काफी सारे लोकेशन देखने को मिलते हैं और साथ ही हमारे हिंदू स्कल्पचर्स लाइक गणेश जी की मूर्तियां और भी काफी बेहतरीन इंडियन थीम देखने को मिलता है हमें इस गेम में। और साथ ही इस गेम को सबसे ज्यादा परफेक्ट बनाती है इस गेम के काफी ज्यादा अमेजिंग ग्राफिक्स, जो कि एक फुल इंडियन लुक देता है इस गेम को। नंबर 4, तो गाइस नंबर 4 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है असैसिन क्रीड वल्हाला। और ये असैसिन क्रीड का 5th गेम है जो कि एक सिंगल प्लेयर ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप मैप में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, बंदे मार सकते हो। और इसे डेवलप और पब्लिश दोनों ही यूबीसॉफ्ट कंपनी ने किया है जो कि काफी सारे अमेजिंग गेम्स को डेवलप कर चुकी है। और इस गेम के ग्राफिक्स काफी ज्यादा रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक लुक दिया गया है इस गेम को। और वैसे तो असैसिन के काफी सारे अमेजिंग गेम्स आ चुके हैं बट ये असैसिन क्रीड वल्हाला सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस गेम का और इसीलिए सबसे बेस्ट ग्राफिक्स आपको इसी गेम में देखने को मिलते हैं। नंबर 3, तो गाइस नंबर 3 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है द विचर 3 वाइल्ड हंट, जो कि एक सिंगल प्लेयर एक्शन गेम है। और ये गेम काफी हद तक हमारे असैसिन क्रीड वल्हाला गेम से मिलता जुलता है। इस गेम में आपको एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड सिटी देखने को मिलता है जिसमें आपके कैरेक्टर को कुछ मिशन कंप्लीट करके रहना होता है और साथ ही इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो आपको बिल्कुल एक रियल लाइफ मोशन वीडियो की तरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गेम को खेलते वक्त हम प्लेयर्स को बिल्कुल एक रियल लाइफ वाला फील देती है। नंबर 2, तो गाइस नंबर 2 पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है उस गेम का नाम है घोस्ट ऑफ सुशिमा, जो कि एक जापानीज एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें जापान के हिस्ट्री को एज ए गेम में स्टोरी वाइज दिखाया गया है। और आप इस गेम को सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों ही टाइप में खेल सकते हो और लिटरली इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट है। इस गेम में आपको एक फुल नेचुरल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इस गेम के एक एक चीज एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से डेवलपर्स ने बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप बनाया है। और साथ ही इस गेम के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि एक बार इस गेम को लेकर एक सर्वे किया गया था जिसमें 96% प्लेयर्स ने ये क्लेम किया था कि जब वो इस गेम को खेलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो खुद इस गेम के अंदर खेल रहे हैं, मतलब वो जो कैरेक्टर है गेम का वो खुद है, उनको ऐसा फील होने लगता है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेम कितना ज्यादा रियलिस्टिक
रियलिस्टिक है। नंबर वन, तो गाइस फाइनली नंबर वन पे जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक गेम आता है, उस गेम का नाम है रेड डेड रिडेम्पशन यानी RDR 2। और अगर आपने इस गेम का नाम नहीं सुना है तो आप अपने आप को एक फुल गेमर नहीं कह सकते। पता नहीं क्यों इंडियन यूट्यूबर्स इसका गेम प्ले अपलोड क्यों नहीं करते, बट फिर भी ये जो गेम है ये अभी के टाइम पे हर एक गेमर के दिल पे राज कर रहा है, क्योंकि ये गेम डिटेलिंग के मामले में, स्टोरी के मामले में और साथ ही रियलिस्टिक ग्राफिक्स के मामले में सबसे आगे है। इस गेम के ग्राफिक्स किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा बेटर है। और भाई ये गेम नहीं बल्कि खुद में एक पूरी दुनिया है जिसे खेलते टाइम आप खुद खो जाओगे इस गेम में। और इसी वजह से RDR 2 पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रियलिस्टिक यानी सबसे ज्यादा रियल ग्राफिक्स वाला गेम है। तो चलिए गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और आपके जितने भी गेमर फ्रेंड्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और इन सभी गेम्स में से आपको सबसे रियलिस्टिक गेम कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो पे 20K लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक टारगेट जरूर से कंप्लीट करवा दोगे। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।